अपने घर को नीट, क्लीन, वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज तो हम सभी रखना चाहते हैं, तो क्या हर बार ही अपने घर को मेंटेन करने के लिए आपको महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदने की जरूरत होती है? अगर हाँ तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, जिससे आप अपने घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से ही अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन रख सकते हैं। काफी टाइम हो गया इस फेरी लाइट को यहाँ पर लगे हुए, दीपावली के बाद से ना लगा दी थी मैंने और हर रात हम इसको जला लेते हैं। अच्छा लगता है जब भी यहाँ पे बैठ के डिनर करते हैं, बट अब बहुत टाइम हो गया, एक चीज को देखते देखते ना हम बोर हो जाते हैं, बस वही कर रही हूँ। डबल साइडेड टेप से चिपकाई थी, बहुत अच्छे से फिक्स रही, मतलब पूरा आप ऑलमोस्ट एक महीना पूरा निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये जो छोटा सा पीड़ा है ना, जब मैंने इस पे लगाई थी ये फेरी लाइट्स, पूरा ये जगमगा गया था। दिवाली व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, डेली तो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ की वीडियो शूट नहीं कर पाती थी, बट हाँ बहुत ही खूबसूरत था ये फ्लावर लुकिंग फेरी लाइट्स ना, मुझे वाकई में बहुत पसंद आई। मेरे पास ये दो हैं। हर छोटी से छोटी चीज के लिए ना मार्केट से ऑर्गेनाइजर परचेज करना मुझे तो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं। दीपावली में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, डेकोर आइटम्स हमारे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस या फिर ये जो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होते हैं ना, ये ज़्यादा बेटर लगते हैं मुझे। स्ट्रिंग लाइट जितनी अच्छी लगती है ना देखने में, जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना लोगों को, उतनी ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम करती है, बहुत जल्दी लग जाती है और बहुत पतली सी होती है, डेलिकेट सी होती है, लगता है कि कहीं टूट ना जाए, खराब ना हो जाए इसका वायर। और इसको ना आप इस तरह के कार्डबोर्ड पे बहुत धीरे धीरे अच्छे से लपेट दीजिए, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। इस बार ना दीपावली पे मैंने बहुत सारी स्ट्रिंग लाइट्स ले ली थी, अब इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्स में अरेंज करके रखती हूँ चीजें। ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स वही है जिसमें मिठाई या फिर फूड आइटम्स आते हैं। अब यहाँ पर ये जो फेरी लाइट्स निकालनी थी या एक दो डेकोर आइटम्स जो रखे हुए थे जिन्हें मुझे रखना था, उसके लिए मुझे सारी ही चीजें निकालनी पड़ी। इस टाइम पे तो आपको थोड़ी सी उलझन महसूस होगी कि हाँ एक चीज रखने के लिए कुछ चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी, बट अगर आप उस चीज को ना प्रॉपर जगह पर रख देंगे टाइमली, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपको ना बहुत ज्यादा आसानी होगी। इस तरह के बैग्स ना हमारे घर में आ ही जाते हैं जब भी हम शॉपिंग वगैरह करते हैं। चलिए आज कर लेते हैं इनका बेस्ट यूज। आप इनके एक्स्ट्रा पेपर को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और ये बन जाएगी एक पेपर बास्केट। बट हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगी, बहुत लंबे टाइम तक अगर आपको गाजर को फ्रिज में स्टोर करना है तो इस तरह से रखेंगे तो ये सौगी सौगी हो जाएंगी, बहुत अच्छा मेथड नहीं है। गाजर, मूली, चुकंदर, इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने अपने चैनल पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस तरह की पेपर बास्केट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप ना इन्हें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इधर उधर ना मूव कर सकते हैं। मींस टू से कि इसमें अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजर रखेंगे तो उस ऑर्गेनाइजर को रखने के बाद ना आपको बहुत कम स्पेस मिलेगा, बट और इस पेपर बास्केट में आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है क्योंकि इसके जो एजेस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल एजेस होने की वजह से ना आप इसके साइज को छोटा बड़ा इजीली कर सकते हैं। मेथी वगैरह को अगर आपको स्टोर करना है, मैंने अक्सर देखा है इस तरह की पॉली में ही अगर आप रख देते हैं तो एक दो दिन अच्छे से चल जाती हैं। ये है मूली, और मूली को भी अगर आप पन्नी में रैप करके नहीं रखेंगे ना तो सौगी सौगी हो जाएंगी, तो इसलिए इस तरह से पॉली में अच्छे से रैप करके रखना जरूरी है। जिपलॉक पाउच हो तो बहुत अच्छा। चुकंदर को भी चाहे ना आपको कुछ दिनों के लिए स्टोर करना है, 3 से 4 दिन, तो भी आप इस तरह की पॉली में रखेंगे तो भी बहुत अच्छे से चल जाएंगी, बशर्ते ये ड्राई होनी चाहिए। इस बार कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज की है मैंने अपनी वेजिटेबल बास्केट। हर बार वेदर के अकॉर्डिंग, सब्जियों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता है। और आज की थी मैंने अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग।
फ्रिज को ना मैं मंथली बेसिस पर डीप क्लीनिंग करती ही हूँ और वीकली बेसिस पर नॉर्मली शेल्फ्स वगैरह क्लीन करती हूँ। जब हम मंथली और वीकली क्लीनिंग करते हैं ना तो हमारा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। सिंपली एक कपड़े को वाइप करके, नॉर्मल पानी से वाइप करके भी हम फ्रिज को क्लीन कर देते हैं तो कोई भी स्मेल नहीं रहती। और बहुत ज़्यादा अगर आपका फ्रिज गंदा है तो आप सिंपल पानी में विनेगर और डिश लिक्विड मिलाकर साफ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इन शेल्स को ना अच्छे से वॉश करके धूप में ज़रूर सुखाती हूँ। मेरे यहाँ बहुत अच्छी धूप आती है, जनरली नून के टाइम पर ही मैं अपना फ्रिज क्लीन करती हूँ। फ्रिज में कोई भी चीज़ रखने से पहले ना बॉटम क्लीन करने की हैबिट पड़ जाए ना तो फ्रिज बहुत हद तक आपका बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है। जनरली मैं माइक्रोफाइबर क्लोथ लेना प्रेफर करती हूँ और हाँ, इसको ना आधा मैं गीला करती हूँ और आधा सूखा ही रखती हूँ, और जितना पोर्शन गीला करती हूँ उसे बार बार ना वॉश आउट करती रहती हूँ। फ्रिज क्लीन करते वक्त सामान को रखने की प्रॉब्लम ना ये स्टेयर्स मेरी बहुत अच्छे से सॉल्व करती है। ना तो इन सामान से मेरे किचन का काउंटर टॉप डीक्लटर होता है और ना ही मेरी डाइनिंग टेबल। और हाँ, आज ना अर्ली मॉर्निंग एक काम और ख़त्म किया अपने दीपावली के बाद ना, आज इनकी गुड़ाई करूँगी, साथ में खाद भी दूंगी, क्योंकि ये ना परमानेंट प्लांट्स हैं और परमानेंट प्लांट जनरली जो सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना, सर्दियों में ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। डॉर्मेंसी का मतलब एक तरह से आप कह दीजिए अब ये सो जाएंगे, इनकी ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। अभी तो फिलहाल मैं इनमें थोड़ी थोड़ी खाद डाल दूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, दीपावली से भी पहले मैंने इनको खाद दिया था। ये ना नॉर्मल काउडंग खाद है। अपने मनी प्लांट, रोज प्लांट, जेड प्लांट, इनमें में काउडंग के साथ साथ ना चाय पत्ती, जो चाय पत्ती हम डेली में यूज करते हैं चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है उसको धो करके उसमें से अदरक वगैरह सब चीजें निकाल करके अच्छे से सुखा लेती हूँ और फिर एज ए खाद अपने प्लांट्स में यूज करती हूँ। तो हुआ ना ये नो कॉस्ट प्लांट फर्टिलाइजर, इसका इफेक्ट ना आप मेरे मनी प्लांट पर खुद ही देख सकते हैं। इसकी पत्तियों के कलर और इस पत्ती के जो साइज है ना, वो सारी चीजें देखिए, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा ना पौधे को तो पौधे ग्रो कैसे होंगे। हम सभी के घरों में किसी ना किसी फॉर्म में ना इस तरह के पाउचेस आ ही जाते हैं, और हम क्या करते हैं, इन पाउचेस को उठाकर अपनी शेल्फ में, अलमीरा में, कहीं भी घुसा देते हैं, जिससे ना क्लटर क्रिएट होता है और जब जरूरत पड़ती है तो एक भी पाउच ना हाथ में नहीं आता। इन पाउचेस को ना किसी बॉक्स में ऑर्गेनाइज करने के बजाय इस तरह के जो कांच के ग्लासेस होते हैं ना, जो हमारे बच जाते हैं एक या दो, इनमें ऑर्गेनाइज करूंगी। इसमें विजिबल तो रहेंगे ही और साथ में हैंडी भी रहेंगे। जब चीज़ें विजिबल और हैंडी रहती हैं तभी वो यूज़ में आती हैं, अदरवाइज ना ये पाउचेस किसी काम के नहीं। इन ग्लासेस को मैं रख रही हूँ अपने फ्रंट में ही, जिससे अगर मेरे अलावा बच्चों को या किसी और को इनकी नीड होना इजीली एक्सेस कर पाए। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज किया था, जो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, काफी लोगों ने पसंद किया है। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हाँ, अपने लाइक और कमेंट से ना मुझे मोटिवेट करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन बाय बाय।